Hello students, once again we are here to discuss uses of rising intonation. आज हम डिस्कस करने वाले हैं राइजिंग इंटोनेशन को इम्पारेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में किस तरह से यूज किया जाता है. स्टूडेंट्स, चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इम्पारेटिव सेंटेंसेस. इम्पारेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो सेंटेंसेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस को बताते हैं, उन्हें हम इम्पारेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. इम्पारेटिव सेंटेंसेस की पहचान क्या है? दे आर ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. इम्पारेटिव सेंटेंसेस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं. सब्जेक्ट जो है दैट इज यू, और हम सब्जेक्ट को कभी नहीं लगाते बिकॉज जो सब्जेक्ट है वो हमेशा यू रहता है और अंडरस्टूड होता है. चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि राइजिंग इंटोनेशन इम्पारेटिव सेंटेंसेस में किन किन सिचुएशंस में यूज किया जाता है. इम्पारेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ रिक्वेस्ट को बताने के लिए हम राइजिंग इंटोनेशन का यूज करते हैं. फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, क्लोज द डोर प्लीज. यहां पर हम लिखेंगे क्लोज द डोर प्लीज. आपको क्या करना है? फुल स्टॉप को रिमूव करना है. फुल स्टॉप को रिमूव किया तो सेंटेंस को बाउंड्री में किया. बाउंड्री में करने के बाद आपको जो है टोन ग्रुप मार्क करना. आप देखिए सेंटेंस के स्टार्टिंग और एंडिंग में हमने बाउंड्री को भी यूज कर दिया है, टोन ग्रुप को भी यूज कर दिया है. अब बचता है हमारे पास बीच में, जो सेंटेंस के बीच में प्लीज से पहले कोमा है, उस कोमा को आप रिमूव करोगे और एक टोन ग्रुप को मेंशन कर दोगे. क्लोज, क्लोज पे आपने स्ट्रेस लगाया, डोर पे स्ट्रेस लगाया और प्लीज पे स्ट्रेस लगाया. क्योंकि अब हम राइजिंग इंटोनेशन को कर रहे हैं तो राइजिंग इंटोनेशन को मार्क करने से पहले हम आपको बता दें कि फॉलिंग इंटोनेशन तो वर्ड के ऊपर मार्क की जाती है और राइजिंग इंटोनेशन वर्ड के नीचे मार्क की जाती है. तो अब आपको क्या करना है कि डोर पे जो स्ट्रेस है वहां पर रिक्वेस्ट है तो डोर पे आपको राइजिंग इंटोनेशन मार्क करनी है. और जैसे ही हम इंटोनेशन को मार्क कर देते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है, कंटेंट जो वर्ड है वो वीक हो जाता है, तो हम वहां पे स्ट्रेस को वीकर फॉर्म में वर्ड के नीचे यूज करेंगे. सेकंड एग्जांपल देखिए, प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर. प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर. आपको क्या करना है? फुल स्टॉप को रिमूव करना है. सेंटेंस की बिगिनिंग और एंडिंग में आपको सेंटेंस को बाउंड्री में लेना है. सेंटेंस को बाउंड्री में लेने के बाद टोन ग्रुप मेंशन करने. टोन ग्रुप मेंशन करने के बाद आपको क्या करना है? स्ट्रेस को मार्क करना है. प्लीज ब्रिंग ग्लास वाटर. स्ट्रेस मार्क करने के बाद हमने देखा कि इस सेंटेंस में हमारे पास जो वाटर है वो न्यूक्लियस ऑफ द सेंटेंस है, तो वहां पर रिक्वेस्ट है तो हमें राइजिंग इंटोनेशन यूज करना है. तो आप डब्ल्यू के नीचे राइजिंग इंटोनेशन को मार्क कर दोगे. एक सिंपल एक ही यूज था कि जहां पर हमारे पास रिक्वेस्ट होती है वहां पर हम राइजिंग इंटोनेशन को यूज करते. चलिए नेक्स्ट सेंटेंसेस लेते हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं? क्वेश्चंस को आस्क करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं. फर्स्ट पॉइंट हमने लिया इन टैग क्वेश्चंस आफ्टर एंड ऑर्डर. अगर हम टैग क्वेश्चंस में भी, टैग क्वेश्चंस जो है इंफॉर्मेशन फोकस होते हैं जहां पर हम अपनी बात का आंसर चाहते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं? टैग क्वेश्चंस में अगर ऑर्डर है तो हमें क्या करना है? राइजिंग इंटोनेशन को मार्क करना है. ब्रिंग मी ए चेयर. ऑर्डर हो गया, मेरे लिए चेयर लेकर आओ. वुड यू, क्या तुम लाओगे? तो यहां पर आपको क्या करना है? ब्रिंग मी ए चेयर.
व्हाट डू यू, ये जो क्वेश्चन मार्क है इस क्वेश्चन मार्क को आपको रिमूव करना है। जैसे ही आपने क्वेश्चन मार्क रिमूव किया तो आपको सबसे पहला काम जो करना होता है वो सेंटेंस को जो है बाउंड्री में आपको सेंटेंस को लेकर आना है। बाउंड्री में ले आए, टोन ग्रुप मेंशन कर दिया। आप देखिए सेंटेंस के बीच में हमारे पास पंक्चुएशन मार्क है कॉमा, आप उस कॉमा को रिमूव करोगे और यहाँ पर सेंटेंस में टोन ग्रुप मेंशन कर दोगे। ब्रिंग चेयर, फर्स्ट सेंटेंस है ब्रिंग मी ए चेयर, फर्स्ट सेंटेंस में चेयर पे हम फोकस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा फॉलिंग इंटोनेशन। जैसे ही फॉलिंग इंटोनेशन आया टैग क्वेश्चन को आप देखोगे वुड यू ऑर्डर था तो वुड में आपको क्या करना है राइजिंग इंटोनेशन को मार्क कर देना। नेक्स्ट देखिए हरी अप, जल्दी करो वुड यू, यहां से आपको क्या करना है ये पंक्चुएशन मार्क जो है क्वेश्चन मार्क इसको रिमूव करके आपको सेंटेंस को बाउंड्री में करना है। सेंटेंस को बाउंड्री में करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या रहता है इनिशियल पोजीशन पर और फाइनल पोजीशन पर आपको जो है टोन ग्रुप्स को मेंशन कर देना है। जैसे ही आपने टोन ग्रुप को मेंशन किया यहाँ पर बीच में पंक्चुएशन मार्क है कॉमा है उसको रिमूव करोगे और आप फिर से टोन ग्रुप को मेंशन कर दो। हरी अप, फोकस हरी पर हो रहा है तो आपको क्या करना है यहाँ पर फॉलिंग इंटोनेशन लगा देना। वुड यू ऑर्डर है तो वुड यू पर आपको क्या करना है राइजिंग इंटोनेशन को यूज करना। नेक्स्ट स्टेप देखिए एनी टैग क्वेश्चंस वेयर द अदर पार्टी हैज ओपन चॉइस। अब हम टैग क्वेश्चंस की बात करते हैं कि टैग क्वेश्चंस जो है वो क्या होते हैं इंफॉर्मेशन फोकस होते हैं जहां पर उन टैग क्वेश्चंस में हम राइजिंग इंटोनेशन को यूज करते हैं जहां पर हमारे पास ओपन चॉइस होती है यानी कि हमारी विश पर डिपेंड करता है कि हम अपना आंसर यस में देते हैं या नो में देते हैं। तो हम क्या करेंगे यहां से क्वेश्चन मार्क को रिमूव करोगे। जैसे ही क्वेश्चन को रिमूव किया आपने अपने सेंटेंस को टोन ग्रुप्स में सेंटेंस को बाउंड्री में लिया और बाउंड्री में लेने के साथ साथ टोन ग्रुप्स को मेंशन कर दिया। कॉमा को रिमूव किया फिर से आपने टोन ग्रुप मेंशन किया। मिस्टर राम इज रियली हैंडसम इजंट ही, राम रियली हैंडसम फोकस है तो यहां पर आपको क्या करना है फॉलिंग इंटोनेशन को यूज करना है। इजंट ही जहां पर हमारे पास ओपन चॉइस है वहां पर हम क्या करेंगे राइजिंग इंटोनेशन को यूज करें। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। यू कैन इजली बाय द डायमंड कांट यू, क्वेश्चन मार्क को रिमूव किया। क्वेश्चन मार्क को रिमूव करते ही हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप आता है हम अपने सेंटेंस को बाउंड्री में लेते हैं डबल स्लैश के साथ। उसके बाद हमने क्या किया टोन ग्रुप को मेंशन किया। अब हमारे पास सेंटेंस के बीच में पंक्चुएशन मार्क है उसको भी आप रिमूव करेंगे और टोन ग्रुप को मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है स्ट्रेस को मार्क करना है इजली बाय। अब डायमंड हमारे पास यहां पर क्या है इनफॉर्मेशन फोकस है न्यूक्लियस है तो यहां पर आपके पास फॉलिंग इंटोनेशन आ गया। अगर हम अपने इस टैग क्वेश्चन को ओपन चॉइस में हम अपनी चॉइस पर यूज करते हैं ओपन चॉइस होती है तो आपको यहां पर राइजिंग इंटोनेशन यूज करना। नेक्स्ट चलते हैं फॉर डब्ल्यू एच क्वेश्चन। अब हमने फिर से डिस्कस किया डब्ल्यू एच क्वेश्चन को वेयर पर्सनल इन्वॉल्वमेंट और फ्रेंडली एटीट्यूड को शो किया जाता है जहां पर हमारी इमोशनल पर्सनल इन्वॉल्वमेंट या फ्रेंडली एटीट्यूड होता है वहां पर हम राइजिंग इंटोनेशन को यूज करते हैं। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपको क्या करना है इस क्वेश्चन मार्क को रिमूव करना है
क्वेश्चन मार्क को रिमूव करते ही आपके पास जो फर्स्ट सेफ आता है, आपको क्या करना है, अपने सेंटेंस को सेंटेंस की बाउंड्री में लेना है। बाउंड्री में लेने के बाद आपको टोन ग्रुप्स मेंशन करने। व्हाट नेम, हमारे पास इंफॉर्मेशन फोकस है और न्यूक्लियस भी कह सकते हैं हम नेम को। यहाँ पर आपको क्या करना है, राइजिंग इंटोनेशन को यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट को शो किया गया है, फ्रेंडली एटीट्यूड को शो किया गया है। हम किसी से अपने जो रिलेशंस हैं वो आगे बढ़ाने के लिए उसका नाम पता जानने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, वेयर वर यू बॉर्न, वेयर यू बॉर्न, क्वेश्चन मार्क को रिमूव करोगे, सेंटेंस को बाउंड्री में करोगे। बाउंड्री में करने के बाद टोन ग्रुप्स लगाओगे। अब हमारे पास वेयर और बॉर्न, बॉर्न हमारे पास न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर हम पर्सनल इन्वॉल्वमेंट को शो कर रहे हैं, तो राइजिंग इंटोनेशन को यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, फोर येस नो क्वेश्चंस, जहां पर हमारे पास क्वेश्चंस के आंसर्स येस नो में आते हैं, वहां पर हम राइजिंग इंटोनेशन को यूज करते हैं। वो सीरियसली इल, क्या वो वाकई में बीमार है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को रिमूव किया और आपने क्या किया, आपने जो टर्न सेंटेंस को बाउंड्री में लिया और सेंटेंस को बाउंड्री में लेने के साथ साथ आपने टोन ग्रुप भी मेंशन कर दी। सीरियसली इल, अब हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो क्या है, सीरियसली है, तो सीरियसली पर आपको राइजिंग इंटोनेशन लगाना है। जैसे ही हमारे पास राइजिंग इंटोनेशन आ जाएगा तो उसके बाद के जो वर्ड्स होते हैं वहां पर हमारे पास वीक स्ट्रेस होता है, तो इल के भी नीचे आपको स्ट्रेस मेंशन करना है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। डिड यू अटेंड हर बर्थडे पार्टी, यहां से आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क को रिमूव किया, सेंटेंस को बाउंड्री में किया, सेंटेंस को बाउंड्री में करने के बाद आपने टोन ग्रुप मेंशन किया। टोन ग्रुप मेंशन करने के बाद अटेंड पे स्ट्रेस है, बर्थडे पे स्ट्रेस है, पार्टी पे स्ट्रेस है। अब ये यस नो का आंसर वाले क्वेश्चन है हमारे पास, तो पार्टी में आपको क्या करना है, राइजिंग इंटोनेशन को यूज करना है। स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास राइजिंग इंटोनेशन के यूजेस, कि किस तरह से हम इंपरेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में राइजिंग इंटोनेशन को यूज करते हैं। होपिंग फॉर द बेस्ट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।